वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मना है। हम बात कर रहे हैं मुजाहिद बरेली साहब से, जिन्होंने ब्रेक से पहले मैंने आपको एक इंडिकेशन दी थी कि पाकिस्तान से पूछा गया आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। याद रखें कि 92% पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान कहता है कि उनका मुल्क जो है वो गलत तरफ निकल रहा है, डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, इस मुल्क के साथ कुछ सही नहीं है, इकॉनमी सही नहीं होने वाली, सियासतदान ख़राब हैं। इमरान खान साहब बड़े अच्छे हैं 68% के मुताबिक, लेकिन उन्हीं लोगों के 92% के मुताबिक पाकिस्तान गलत सिंध पे चल रहा है और वो इमरान खान साहब को इलेक्ट नहीं करने वाले। मुजाहिद साहब, बकौल मुजाहिद साहब, मुजाहिद साहब पूछा गया सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, आपके ख्याल में बहुत बड़े मसले क्या हैं? 97% आवाम कहती है कीमतें, महंगाई, बिल्कुल दुरुस्त। 91% पाकिस्तान कहता है जुर्म, ठीक है, जराइम पेशा नासिर जुर्म। 89% पाकिस्तान, एक कम 90% पाकिस्तान कहता है नौकरियां ना होना, मईशत की बदहाली, दुरुस्त। 88% पाकिस्तान कहता है दहशतगर्दी, गुड साइन। 88% पाकिस्तान कहता है ये भी बहुत बड़ा मसला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ गुड साइन, इसलिए कि अगर आप सिर्फ कराची से पूछते हैं तो एक अलग बात थी, लेकिन आप हर जगह से पूछ रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी की लपेट में नहीं है वो जगह, वो भी अगर कह रहे हैं पाकिस्तान का मसला है तो दिस इज हार्टनिंग। 88% 79% कहते हैं कि बदनवान हुक्मरान हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अब ये चाहे हमारी गलती हो, मीडिया की या ना हो। कश्मीर 73%, अब ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़े मसलों में से एक मसला सबसे बड़ा कश्मीर है। मेरा ये ख्याल है मोहित, जैसे मैं कह रहा था ना कि एक जमाने में क्रश इंडिया का नारा पॉपुलर तरीन नारा होता था और इंडिया से जंग पर हर आदमी तुला हुआ होता था और बैतुल्ला मसूद भी तुला हुआ था एक जमाने में। तो बैतुल्ला मसूद को तो खैर आप देखें, आप ही का मीडिया है जिसने ये कह दिया था कि बैतुल्ला मसूद ने कहा कि इंडिया के खिलाफ मैं जंग करने के लिए तैयार हूं। तो यानी इस तरीके से उन्होंने टर्न की, एक सबसे बड़े अखबार ने लीड लगाई थी, यानी उनका मकसद ये था कि बैतुल्ला मसूद से पाकिस्तान लोगों को। तो यही कि हमारे यहाँ इस तरह का एक तो बड़ी एक जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा एनिमी है मोहित, वो है मुतासिब बायस्ड, एक एजेंडा लिए हुए मीडिया, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन हो। और इन लोगों ने जो अपने आंखों पे ऐनकें लगाई हुई हैं, जिस तरीके से मसलन देखें जी, इसके फैसले अभी पार्लियामेंट में, बजट भाई पार्लियामेंट में पास हुआ ना, क्या कोई उन्होंने कोई बेमानी कर दी कि कुछ आप कहने ना कि जी ट्विस्ट कर दिया, क्या कर दिया, बजट तमाम अराकीन असेंबली खड़े थे, अब ठीक है काफली के साथ आ गए, बजट उन्होंने पास कर दिया। अब आप ये कहें जी देखा भाई, और क्या तरीका है, खुद ही तो आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट बालादस्त होनी चाहिए, जमहूरियत ही फैसला करेगी, मुंतखब नुमाइंदे ही फैसला करेंगे, वो फैसला करते हैं आप वो भी नहीं मानते। तो अब अगर जिस बात पर आप हर बात पर जिस तरह मुशर्रफ साहब को अपना लानतान करते थे, एक बात थी ना उसकी कि जनाब फौजी डिक्टेटर है, वर्स्ट वर्ड से वर्ड फौजी डिक्टेटर जो है उसके मुकाबले में हमें जो है बस। आप जो मीडिया की बात कर रहे हैं मिजाज साहब, खदा कलामी की माजरत सर, हमने जिस तरह कवर किया उसामा बिन लादेन का इशू, मैं मी इंक्लूडेड, वो उसकी वजह से इन्होंने जो प्यू सर्वे बाद में की ना 2 मई के, उसके बाद जो प्यू सर्वे की उसके अंदर एक बहुत एक ऐसी चीज़ थी, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। जो आवाम से पूछा गया तो वो समझे कि जी यूएस भी बहुत बड़ा दुश्मन है और अलकायदा को मारा गया या नहीं मारा गया, सही मारा गया या नहीं मारा गया, तो अक्सरियत हमारी पाकिस्तानी कह रही थी सही नहीं मारा गया। ठीक, इस सवाल पर मेरी नज़र में, और फिर उनसे पूछा गया जी पाकिस्तानी हुकूमत को आपके ख्याल में पता था इसका, तो अक्सरियत जो थी 53%, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं, हमें पता नहीं उनको पता था या नहीं पता था, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि आपने अलकायदा के अहम रहनुमा के कत्ल को क्योंकि खुद मुख्तारी का इशू बना दिया, लिहाजा अवाम जो है उसने उसको रिलेट किया इससे नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मारा गया, उसने इस बात से रिलेट किया कि यार ये अमेरिका कितना बड़ा दुश्मन है हमारा। तो ये एक मीडिया फेलियर है। नहीं नहीं, मीडिया का फेवर, और मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा दूं, दो आपके हाल ही में हफ्ते पिछले 2 हफ्ते में 2 मनाजिर कैमरों ने बड़े दिखाए, एक वो जिसमें रेंजर एक नौजवान को मार रही है, भले वो अब ये पस मंजर में चला गया कि वो नौजवान क्या था, वो चोरी करके भाग रहा था, वो हमारे जो जवाना वो फौजी जवान थे उन्होंने भी तमाम बहादुरी उस बेचारे एक लड़के पे चारों ने मिलकर निकाल दी और गोली चला दी, वो समझ रहे पैर पर चलाएगी और सब कुछ हो गया और खून बह मर गया। एक और आपने शायद अब आपने नहीं देखा होगा, पाकिस्तान के किसी अखबार ने, क्योंकि मैं पीटी अखबार कहता हूँ, 2 बड़े अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार, उर्दू के सबसे बड़े अखबार ने, हमारे बाद में चैनलों ने फॉलो अप में वो मंजर कितनों ने दिखाया कि जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने एक आदमी जो है वो अपने को आग लगा रहा था, क्योंकि वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के यानी दहलीज पर यह वाकया सानिया हुआ था, हमारे मीडिया ने क्यों नहीं उछाला। और इसीलिए हमने कहा कि ये जो एक इन लोगों ने सो कॉल्ड आजाद पॉपुलर मीडिया और अदलिया ने गठजोड़ किया हुआ है, ये वाकया अगर पीएम सेक्रेटरी के सामने होता, वो गिलानी के सामने किसी ने करा था, सारा दिन दिखाते रहे, मुझे बताइए कितने अखबारों ने तस्वीर फ्रंट पेज में छापी है, और वो आदमी कहता है जी मुझे इंसाफ नहीं है, बल्कि
अफसोसनाक बात यह है कि रात के 9 बजे उनको ख्याल आया, जब चैनलों में थोड़ा बहुत हम लोगों ने शोर मचाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीज निकाली कि ये शख्स तो बदमाश है, इसके तो अपनी साली से ताल्लुकात थे, इसके होते भरे भाई, वो कह रहे मेरे मुकदमे का फैसला तो सुनाओ, अगर वो गलत आदमी था उसको जेल डालते। वो कहता है जी मैं 4 साल से घूम रहा हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। कहने का मकसद ये क्योंकि वो वाकया, अगर वो शख्स ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम, पार्लियामेंट के सामने, पीपल्स पार्टी के दफ्तर के सामने ये कर रहा होता तो आपका मीडिया हफ्ते भर तक दिखाता रहा, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी के दहलीज पर हुआ है इसलिए सबों ने खामोशी सजा ली। इस तरह का तो आपका रवैया है, पता नहीं आप, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना सही, ये वाकई हुआ है। 73% कहते हैं कश्मीर जो है बहुत अहम मसला है, उसके बाद 70% कहते हैं कि मंशियात जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े अहम मसला मसलों से है। 70% पाकिस्तान कहते हैं कि मंशियात, ड्रग स्मगलिंग, ड्रग यूसेज, ड्रग की वजह से जो जरायम पेश आते हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से एक। जनरलाइज बात है, जनरलाइज तो है मुजाहिद साहब, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप मंशियात की बात करते हैं ना, खुसूसन पाकिस्तान में और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में और कराची में, तो आप सिर्फ मंशियात की बात नहीं कर रहे होते, आप उन लोगों की भी बात कर रहे होते हैं जो मंशियात लेके आते हैं, यानी कि आप एक बकायदा इमिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं, आप ये कह रहे होते हैं कि जी मंशियात यहाँ पे आते हैं। तो मंशियात को भी एक चीज कर, मुझे नहीं पता कि मंशियात में शराब भी शामिल है और चरस भी शामिल है, और शराब शामिल नहीं है। अच्छा, और इसमें गर्दा भी शामिल है और इसमें भंग भी शामिल है और इसमें रॉकेट भी शामिल है और इसमें पता नहीं मंशियात का, तो मैं तो नशा समझता हूँ ना उसको। नहीं, ड्रग्स सर, मैंने मंशियात कहा है ड्रग्स, ड्रग्स यानी कि कोकेन, हेरोइन, एक्सटेसी। और कितनी इस्तेमाल होती है जनाब ये, यानी मैं इस्तेमाल कर, यानी मेरा ये ख्याल है कि इसका इस्तेमाल खास तौर पर जिसको आप जो इसको ड्रग के मारूफ मानों में ले रहे हैं ना, अगर ये चरस और अफ्यून वगैरह, अफ्यून तो खैर हमारे जमाने में पहले 50-60 साल से पहले हमारे बड़े घरों में डॉक्टर दिया करते थे, करते तो ये जो एक ये भी एक इसके मतलब ये सब ये इलीगल ड्रग्स का मेरे ख्याल में इशारा ये है कि अफगान जंग के बाद जो सब लोग अपने साथ लेके आए और फिर यहाँ पे नशा जो है बड़ा आम हो गया सड़कों पर, गरीब नशा जिसको कहा जाता है। नहीं, ये वैसे उन्होंने गलत कहा, मेरे ख्याल में ये वजह यही है कि ये एक और वाकफियत नावाकफियत है। मेरे ख्याल में कराची में एक ज़माना था कि वो जो एक तो नॉर्मल बार हुआ करते थे, लेकिन जो बिल्कुल इल्लीगल गुत्ते होते थे, उनका लफ्ज़ ही गुत्ते इस्तेमाल होता था, और जाली शराब वो खाने होते थे, और वहाँ वो ड्रग ही वो ऐसी होती थी कि जो पेटी काट दिया करती थी। मेरा ख्याल है कि कराची में मेरे ख्याल उसकी तादाद 500 के करीब होगी, अब आज कुछ भी नहीं है। लियारी में और हर ये खाराजार और जुबली सैनमा, इनकी बिल्डिंग के नीचे जो था ना, वो यही काम कारोबार होता था, और उस वक्त उन लोगों को शायद इल्म नहीं था। ये तो खैर, ये जो पाबंदी जब से लगी है उसके बाद आप ये नए नए नाम सुन रहे हैं। साफ पानी का ना होना 63% पाकिस्तान कहता है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, 60% पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा। आपको मेरी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अभी भी एक सर्वे आया है कि अब पाकिस्तान में 1.5 अरब लीटर साफ पानी पीने वाले लोग हो गए हैं। 1.5 अरब लीटर साफ पानी पिया जाता है हमारे यहाँ, 1.5 बिलियन। ये पहले मिनरल वॉइस की तस्वीर 5 साल पहले शायद कहीं भी नहीं होगी, तो ये भी अब एक और करें कि प्योर पानी, ये जो अब आप देखें ना, घर आदमी चाहे वो छोटा बड़ा घर हो, उसके हाथ में वही मिनरल वाटर की बोतल होती है, इसका इस्तेमाल भी बढ़ गया है। ऐसा वो मिनरल वाटर की बोतल होना एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है आपके नलके में जो पानी आए वो साफ हो। नहीं, देखिए खैर अब ये हम यूरोप तो है नहीं, लंदन के नलके में साफ पानी आए तो आपको पता है ना हो, लेकिन साफ तो हो मुझे ऐसा भी बहुत बड़ा मसला है। ये दुरुस्त 60% पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो हमारा सबसे बड़ा मसला है और अमेरिका को फौरन भाग जाना चाहिए, ये तो जायज है ना, ये हो सकता है ना कि 6-10 ये तो आप पाकिस्तान में भी लोग, हम लोग सब 100% कहेंगे कि अमेरिका को भाग जाना चाहिए, नहीं वो भी ज्यादा लोग जाना चाहिए, नेटो अफवाज को चले जाने, यानी कहने मतलब नहीं कौन है। अगर आप इस तरह सवाल करेंगे अमेरिकन यहाँ हो ना हो कोई है, कौन कहेगा कि नहीं साहब यहाँ रहे, लेकिन अगर उन्हें बताया जाएगा कि साहब अमेरिकन जो है वो अगर जरा थोड़े से उनके जो सम्राट आप तक पहुंच रहे हैं वो भी तो बताया जाए ना, कितने आपकी यूनिवर्सिटियों के लड़के वहां पढ़ रहे हैं, कितने आपकी हर फैमिली का 5वां आदमी जो है वो अमेरिका जाता है, जाने का ख्वाहिशमंद है, अब तक जो है वो आप अब तक $87 अरब उनसे ले चुके हैं, अब तक IMF वर्ल्ड बैंक के जरिए कुछ 40 अरब डॉलर ज्यादा आप उनसे वसूल कर चुके हैं, अब तक जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनकी अगर मैं तफसील बताऊं कि USAID की तरफ कितना आपको आता है। USAID की आपने बात की, मुझे ऐसा उसामा बिन लादन को मारने के बाद हम लोगों से जब पूछा जाता था पहले कि अमेरिका कितनी इमदाद देता है तो 23% कहते थे बहुत देता है, फिर जब पूछा जाता था 2011 में ही कितनी इमदाद देता है 32% कहते थे बहुत देता है, अब 38% कहते हैं बहुत इमदाद देता है। इसकी वजह यह है उसामा बिन लादन के मर जाने के बाद कि हमने इस पर बात बहुत की है, इमदाद काट दो, और शहबाज शरीफ साहब अग्यार फिर पता चला भाई बहुत अग्यार इमदाद और दो ना उनका, तो ये है कि हमारे कहा जाता है कि जनाब हम जितना करते हैं 38% पाकिस्तान कहता है अमेरिका बहुत पैसा देता है।
ये जनाब मैं अगर देखें बात आगे बढ़ जाएगी, जो एक आप स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है चीन 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 हमारा यार, आप मुझे बताइए जनाब चीन से कितनी आपकी इमदाद आती है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो 5-6 यूरोपियन ममालिक जितने देते हैं ना आपको, शायद इतना भी चाइना से आपको ना आता हो। नहीं ऐसा इमदाद नाम की चीज चाइना करती ही नहीं है, चाइना तजारत करती है, अपना मफाद देखती है। और जिस तरह का चाइना का सामान आता है ना, वो आपने ख्याल एक महीने में इलीगल डंपिंग हो रही होती है हमारी, जापान की चीज एक साल चलती है, जापान की चीज एक साल में 10 बार भी नहीं चलती। एक आखिरी जो नुकता था, सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की, उसका वो ये था लोगों का मुल्क छोड़ के चले जाना। 60% के करीब लोग कहते हैं कि मुल्क छोड़ के जाते हुए पाकिस्तानी जो हैं वो एक मुल्क का अहम मसला है। आप इस बात से एग्री करते हैं? नो एक ज़माना था कि लोग जब जाते थे, क्योंकि जब अब जो उन्होंने यूरोप में देखा मसलन और जो वेस्ट, एक ज़माने में ये भी मामला बड़ा था ये जो इंडिया पाकिस्तान का, कि जनाब बड़े लोग कहते थे कि कितने लोग अपने इंडिया वापस जाना चाहते हैं, बदायूं बरेली जो है कोई नहीं जाना चाहता। कितने लोग मैंने तो नहीं देखा कि लोग अमेरिका, और इस दौरान जनाब आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं मोई जाफरी, बाहर से आने वाले पैसों की तादाद अब 10 अरब डॉलर हो चुकी है, जिसे आप फील्ड स्टेट कहते हैं ना, ये है पाकिस्तानी स्टेट पर ट्रस्ट वहां के रहने वालों का। वो पैसा महफूज समझते पाकिस्तान में, अमेरिका में नहीं सेफ करते महसूस करते हैं। ऐसा भी नहीं है, फेल्ड स्टेट नहीं कहते पाकिस्तान को, फेलिंग स्टेट कहते हैं, और उसको फेलिंग पैसों की वजह से नहीं कहते, फेलिंग अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के मसाइल। और मेरा ख्याल ये है, और आप क्योंकि बाहर जाते रहते हैं, जितना इनसिक्योर लोग अब बाहर के एयरपोर्टों पे करते हैं उतने कराची में नहीं करते। अमेरिका एयरपोर्ट पर आदमी थर्राता हुआ दाखिल होता है हर पाकिस्तानी, जो भी है बेटा, यानी जितना मेरे ख्याल में अब 9/11 के बाद वेस्ट और अमेरिका में जाने का रुझान कम हुआ है, जितना लोगों से खौफजदा हुए हैं, वो शायद जो है अब मेरा तो ख्याल है कि मेजोरिटी मजबूरी और है। नहीं मजबूरी नहीं, बस मैं ये कह रहा था 60% पाकिस्तान लोग मुल्क छोड़ के जो जा रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इससे इत्तेफाक मैं भी नहीं करता कि मुल्क छोड़ के जाना जो है वो हमारी 60% लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन है बड़ी प्रॉब्लम मईशत के लिए, पाकिस्तान बतौर एक मुल्क के लिए कोई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। या लेकिन कुछ लोग मईशत के हवाले से जो कहते हैं वो इसके बरक्स बात करते हैं, वो कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। आप क्या राय है, आप हमें उसे आगाह कीजिए, SMH@CNBCPakistan.com पर लिखे, हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।